पता नहीं है मैं कौन? खान, इंस्पेक्टर खान, खास लखनऊ से भेजा गया मुझे यहाँ। सुना है यूपी व्यासी में तेरा बहुत सिक्का चलता है। इंट्रोडक्शन अच्छा लगा। त्रिपाठी डंडा ला। है सब लीजिए सब। इंस्पेक्टर, पसीने के साथ साथ तेरा डंडा भी छूट गया। साले बहुत बोलता है। साहब, कमिश्नर साहब का फोन आया। त्रिपाठी देख साले को। त्रिपाठी जी साहब, खाना खिला साले को। ये ले, ऐसे बहुत अकड़ है तेरे में। इंसान की अकड़ और परिंदे की पकड़, या तो इंसान को उठाती है या गिराती है। कुछ ऐसी ही थी मेरी कहानी। तेरी और कहानी गैंगस्टर्स की कोई कहानियां नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं तेरी कहानी में जरूर इंटरेस्ट लूंगा। ये है यूपी 82 207001। गैंगस्टर बनने का प्रमाण पत्र यहीं से मिलता है। यूपी 82 मतलब आक्रमण, गैंगस्टर और क्राइम जैसे मामलों में इस शहर ने अपनी पहचान यूपी के टॉप जिलों में अलग ही बनाई है। यहां जिंदगी अच्छी भी है और बुरी भी। यहां अमीर भी हैं और गरीब भी। यहां की आम जनता का उसूल है इज्जत के बदले प्यार और नफरत के बदले मार। यहां के रहने वाले आम इंसान अलीगढ़ और दिल्ली वालों के बहुत खास होते हैं। ये कहानी है सुलेमान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 5635
खाना खाया जाए। अरे जग्गू जी मालिक, इधर आ। क्या खाना है ये? तुझे पता है पसंद नहीं है मुझे, लेके जा इसको। एक सेकेंड, छोटू इधर आ। जी साहब। नाम क्या है तेरा? साहब सुलेमान। सुलेमान, पता नहीं तेरा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लगता है जिंदगी में तुझसे सब कुछ छीन लिया हो। अरे छोड़ो ना साहब, बीती हुई बातों में क्या रखा है। बातें अच्छी कर लेता है। तेरी बातों से ये लगता है एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरे लिए काम करेगा। करूंगा ना साहब, अपन को तो कोई भी काम चलेगा। अरे जग्गू जी मालिक, काम सिखा इसे। हाँ बदलेगा, कल जल्दी आता हूँ साहब। अबे साले, मेरे बैग मारता है, रख दे। तो
क्या रे बवंडर, बैग मारा तूने इसका? हाँ अपुन चोर नहीं है, अपुन इसका बैग क्यों मारेगा? रेगड़िया चलना, बैग निकाल रे, वापस कर चल रे, चलना ये ले शाड़े, और अगली बार ध्यान से। वैसे नाम क्या है तेरा? अब्बास। सुलेमान, क्या रे शाणे, कब तक ये चोरी चकारी करेगा? हाँ ये बटोआ जी छोड़ और कुछ ढंग का पकड़, मेरे लिए काम करेगा? हाँ भाई बिल्कुल। बहुत बड़ी गलती की है इसने, इसका गेम तो अपन ही बजाएगा। जी भाईजान, जितनी जल्दी हो सके उसका गेम बजा डालो, समझे तुम लोग? जल्दी हो जाएगा भाईजान। ये चे साला, अकरम लगा इसके पिछवाड़े पे। अब्बास कौन है ये लोग, तू जानता है क्या इनको? नहीं भाई उससे पहले कभी नहीं देखा। बच गया साला, तो देख के लगता है ये किसी बड़े का क्या साला, टेंशन दे मरा। अरे सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। अरे चचा दो कटिंग लगाओ। अभी लगाता हूँ भाईजान, बैठो। ये लीजिए भाईजान। भाईजान बुरा ना माना तो एक बात बोलूं? अरे बोलो ना चाचा। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई, एक तस्वीर ले सकता हूँ? अरे चाचा क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, आपके बच्चे जैसा ही तो हूँ मैं। अरे चाचा क्या राड़ा पल रहा है इधर, कौन थे ये लोग? आहिस्ता बोलो भाईजान, पठान के आदमी थे, आज फिर किसी की कुर्बानी होगी। कुर्बानी? अपन कुछ समझा नहीं, कौन है ये पठान? अरे भाईजान ये तो रोज दिल्ली का हो गया है, नाना पठान पूरी यूपी बयासी पे इसका कब्जा है, गली कूची से लेकर जनता के डरो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम है, नाना पठान। सुना है दो नंबर के धंधे से लेकर मर्डर, सुपारी और अंडरवर्ल्ड के साथ भी इसका हाथ मिला हुआ है, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर पाती, कोई सबूत ही नहीं मिलता। सबूत मिलने से पहले ये सामने वाले की कब बोटी फूटी करते किसी को नहीं मालूम। और हाँ भाईजान, आप इन लपड़ों से दूरी रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे छोटू खाना लगा उसको। अब्बास। जी भाईजान। अरे चाचा वैसे ये पठान मिलेगा कहाँ, एड्रेस मालूम क्या? एड्रेस तो बता दूंगा भाईजान, लेकिन बिना लाने की मेरी जुबान नहीं खुलती। अरे क्या चाचा, जुबान के साथ साथ तेरी नीयत भी खराब है, ये ले 10 तेरी चाय का और 500 तेरी जुबान का, चल अब बोल। इस्लाम नगर गली नंबर 3। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
माल लाया हूँ, एकदम कड़क है। वो हमारे हाथों से बच निकला, एक मौका और दे दो भाई। भाई अगली बार उस कुत्ते को आपके सामने ला कर रख दूंगा। ये मौका ही तो था जो तूने गवा दिया। मुझे ना सुनने की आदत है। इधर ही रहता है क्या तू? हाँ भाई अपन इधर ही रहता है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आओ भाईजान आओ, ये अपन का छोटा सा खोली। आओ भाई आओ, ये अपना खोली, अपन यहीं रहता है। वही से काम चल जाएगा। भाईजान, भाईजान, भाईजान ये लीजिए चाय। क्या सुलन भाई, यूपी ब्यासी को बड़ी गहराई से देख रहे हो, खरीदने का इरादा है क्या? सही बोला, मैं इस शहर की रफ्तार को पकड़ना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। क्या सुलन भाई, अपन तो मजाक कर रहा था, अपन की बात दिल पे ले गए। जो लोग मजाक करते हैं वो मजाक बन के रह जाते हैं। अब्बास मेरी बात ध्यान से सुन, मैं जिस खेल में उतर रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ तुझे तेरी हैसियत से ज्यादा खेलाऊंगा। क्या बोलता है? आप उनको समझा नहीं भाई। चला ट्रेलर दिखा के लाता हूँ। लेकिन भाई हम जा कर रहे हैं। बोलता बहुत है। ए भाई थोड़ा जल्दी चला ना। ये ले। भाई कहाँ ले आया तू मुझे? अरे तू चलना भाई, चलना। अरे आना, चल चल चल।
ए, अंदर का चल दिया रे। अपन को पठान भाई से मिलने का। रुक। भाई एक मिनट। ए चलना। भाई भाई मैं हल्का हो गया था। से मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आ बैठ। भाई बहुत नाम सुना है आपका इस शहर में। एक दिल की तमन्ना थी जो पूरी हो गई आपसे मिलकर। तारीफ करने की बजाय अगर तू काम की बात करेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ क्यों आया है भाई? अपन यहाँ काम के वास्ते है। अपन को आपके जैसा बनने का। हजारों की तादाद में आते हैं लोग यहाँ मेरे जैसा बनने के लिए, लेकिन उन हजारों में इस पठान जैसी बातचीत आ गई तो इस असली पठान की क्या औकात रहेगी? काम क्या करेगा भाई? आपकी जान भी ले सकता हूँ। तुझे खुद पर बहुत भरोसा है ना? तो ये ले और ठोक डाल। ठोक ना। अबे ठोक ना। अबे ठोक ना माता। ए, पागल हो गया तू? क्या कर रहा है? कल का आया हुआ छोकरा तेरे एरिया में आके तेरे को ठोकने की बात करता। अबे कहाँ समझा है क्या? घोड़ा चलाने से पहले घोड़ा संभालना सीख। लेकिन अपन को तेरा ये कॉन्फिडेंस पसंद आया। अकरम। जी भाई। ये ले, इसका गेम बजाने का है। बजा पाएगा? कितनी भी दे जो पठान भाई, सामने वाले के लिए एक बुलेट ही काफी है। और इसकी रफ्तार अब सुलेमान के हाथों है, काम हो जाएगा। ये ले, बाकी का गेम बजने के बाद। खुदा हाफिज। और सुन। जी भाई। ये ले,
देना इसको। हाँ भाई ये तो पठान का आदमी लगता है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? काम कर। पठान साला कल का आया वो गुंडा आज हमारे शहर पे राज कर रहा है, कल हमारे देश पे राज करेगा, तुम क्या साले झगमराने के लिए आए हो? आज के बाद पठान का नाम सुनकर अगर तुम्हारा खून नहीं खोला तो डंडा कर दूंगा, समझे? मुझे पठान जिंदा चाहिए। यस सर। तेरी किस्मत अच्छी है जो तू सुलेमान से दोबारा टकरा है। लेकिन भाईन मैंने क्या बिगाड़ा आपका? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है तूने मेरा, लेकिन अपन तेरा बहुत कुछ बिगाड़ने वाला है। तुझे टपकाने का सुपारी मिला है अपन को पठान के वास्ते, बोल क्या करने का है? पठान, वो पठान एक नंबर का धांधलेबाज है, आज मुझे मारना चाहता है, कल तुम्हें ही मारेगा। पठान और अपन को टपकाएगा, अपन पठान का खास आदमी है, जैसे कल तक मैं हुआ करता था। मतलब? सही सुना, मैं उस्मान, इसी समय मैं भी पठान का बहुत खास आदमी हुआ करता था। अपनी जिंदगी 25 साल मैंने उसको दिए सिर्फ ये जताने के लिए कि मैं उसका कितना वफादार हूँ। फिर भी यही नहीं, उसके काले धंधे हुआ चिट्टा और पैसों का डील, और उसके धंधे में कितना मुनाफा हुआ कितना नहीं सिर्फ मैं ही देखता था, और बदले में मुझे क्या मिला? फिर बस पठान की गुलामी। आज वही मुझे मारना चाहता है। तुझे क्या लगता है अपन तेरी बात पे विश्वास करेगा? चल अपन तेरे साथ एक सौदा करना चाहता है। तूने अपनी जिंदगी के 25 साल पठान को दिए ना, लेकिन ये सुलेमान तेरे से सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट चाहता है, क्योंकि मेरा अगला टारगेट तू नहीं कोई और ही है। बस ये ले, शायद भाइयों ने अब आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। रुकिए कुछ दिखाता हूँ।
किससे मिली है? यह है खजूरी, पठान का बहुत खास आदमी, उसका राइट हैंड, पूरे मार्केट का हफ्ता वसूली, किडनैपिंग और पठान के छोटे मोटे धंधे यही संभालता है। किससे मिली है? यह है काका, पठान का मुंह वाला भाई, साला नशे का बहुत बड़ा सप्लायर है, पूरे धंधे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही संभालता है। और इसके अलावा नकली शराब का धंधा, विदेशी हथियार और कोकीन चरस जैसे विदेशी नशे, यही है पठान का असली चिट्टा। वाह उस्मान वाह, मुबारक हो, लेकिन अफसोस मेरी जिंदगी के 25 मिनट खत्म हुए। भाई क्यों डुबा रहा है इसको? जब ये पठान का सगा नहीं हुआ तो अब उनका क्या सगा हुआ? चल अब सुलेमान आ बैठ। काम हो गया भाई। तू तो बड़ा फास्ट निकला रे, दिल खुश कर दिया। उस सीगलोस से अकरम ये ले तेरा बाकी का माल। सुलेमान आज से तू मेरे लिए काम करेगा और आज से तू पठान का खास आदमी। वो क्या है ना पठान भाई, अपन सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आपके हर धंधे में मुझे 50-50 चाहिए, मंजूर है? मुझे तुझ जैसे शेर की जरूरत है। मुझे तेरे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया, इसीलिए तो 50-50 मांग रहा हूं। डन। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। साला 24 घंटे हम पठान के लिए इतना काम करते हैं, इसने तो आते ही अपना सिक्का जमा लिया। ये भाई भाई आज अपन बहुत खुश है। ऐसा क्या? हाँ भाई, वो एक काम कर, मंगा लेना दम बिरयानी और बिस्किट। अरे अभी मंगाता हूँ भाई, आइए आप जब तक बैठिए। मिल गया, ये लीजिए भाईजान, जॉन्टी भाई की दुकान का ताजा माल है। यस। भाई ने एक बात बोलू क्या? बोलना। बात तो अब उनकी उसी दिन गई थी। इस पठान से तो अक्खा पूरा शहर डरता है, उसी से हाथ मिला के उसी के आदमी का गेम बजा डाला। वाह सुलेमान वाह। लेकिन अब पठान से ज्यादा मुझे तेरे से डर लगने लगा है, आखिर ये सब करना क्यों चाहता है? बस इस खेल का मजा ही अलग है। मैंने बोला था ना, मैं शेर की रफ्तार को पकड़ना चाहता हूँ। चले एक हार्ड बना।
यह यूपी वैसी तब यह पठान के हाथ में था, लेकिन कुछ दिन बाद ये सुलेमान के कदमों में होगा। साला, ये सब देखकर तो मेरे नशे का थर्मामीटर नीचे जा रहा है भाई। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है खजूरी के हाथ में, और ये एरिया है काका का। काका मतलब पठान का मुंह वाला भाई, और मेरा मिशन है यूपी व्यासी पर कब्जा। ओहो, तो इस बादशाह को सल्तनत चाहिए। अब अपन को इस बादशाह का गेम समझ आ रहा है, लेकिन पठान की दोस्ती पर कभी भरोसा मत करना। साला एक नंबर का दोगला है दोगला। तू अपन को क्या बता रहा है? दोस्ती तो सिर्फ एक जरिया है पठान के करीब आने का। अब्बास, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं। पूरा आसमान मुझे मुट्ठी में करना है। अरे आसमान में अगर परिंदा भी उड़े ना, तो सिर्फ मेरी मर्जी से। भाई अब उनको बहुत चिढ़ गया, अब उन सोने जा रहा है। ठीक है। सुन जी भाई, अंधा बहुत नीचे जा रहा है, और अगर तेरे बस की नहीं है तो ये काम मैं किसी और को सौंपूं। नहीं नहीं भाई, हम हो जाए। राम भाई। तिवारी, कैसा आना हुआ? और वो अपनी चार एकड़ वाली जमीन का क्या हुआ? जी भाईजान, उसी सिलसिले में आया हूँ, और ये रहे उसके कागजात। ये लीजिए भाईजान, यहाँ साइन कर दीजिए। ये लीजिए। भाईजान, मैं चलता हूँ। फोन उठाइए ना उस्ताद। हेलो। सलाम भाई। सलाम भाई, को एक लोचा हो गया है। वो अपने इंस्पेक्टर, उसके दिमाग की हट गई है। पूरा डिपार्टमेंट पठान को पकड़ने में लगा हुआ। जिस दिन पठान के खिलाफ कोई बड़ा सबूत मिला, उस दिन पठान तो जाएगा ही जाएगा। और आपका क्या सोचा कभी इस बारे में? आप भी ठोके जाओगे। और भाई, कब तक इस पठान की पोजीशन में लगे रहोगे? मैं जानता हूँ आपको पठान का पोजीशन चाहिए, लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? चलिए रखता हूँ। चल ठीक है, सब तो कौन आ रहा है। साहब जी, ए रोविन। जी भाई। आज कब तक आया क्या? वो गली और मोहल्ले का पूरा हफ्ता वसूल कर लिया मैंने, आप टेंशन ना लो। कुछ खास भेज रहा हूं ना, फोन चेक कर।
हेलो हेलो मॉर्निंग भाई। परेशान और मैं कुछ भी बोलता है। बज गई घंटी। हाँ हाँ बजी चाहिए तुझे जो बोलेगा वो करने के लिए तैयार हूँ। बस खोका एड्रेस भेज रहा हूँ आज शाम 4 बजे। हेलो 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 चल साहब। सलाम। क्या साहब बड़े दिन बाद आना हुआ। चल चल लगाइए। अभी लगाता हूँ बैठिए। आप बैठिए। हाँ साहब मैं पता कर रहा हूँ आप परेशान ना हो। ठीक सर जैन सर। वेट क्या खबर है साहब। खबर तो बहुत बड़ी है। ये ले। अब बता। सुनने में आया पठान के गैंग में नई छोकरे ने एंट्री ली है। सुलेमान पठान उस पर जांच रखता है। एक यही छोकरा है जो पठान के खिलाफ बड़ा सबूत बन सकता है। और हाँ पैसे के लिए कुछ भी करेगा। हाँ मिलेगा ये सुलेमान। ये तो पता नहीं साहब लेकिन हाँ तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे अपने बच्चे की याद आ गई। एक तस्वीर ले सकता हूँ। उसकी तस्वीर है मेरे पास। देखा यही है सुलेमान। अच्छा ये है सुलेमान। ठीक है भेज। सलाम साहब। आओ खजूरी आओ। आ जाओ आ जाओ। तो वही है ना। सही कहा। अरे डब्बे में नोट लाया या इसमें भी तेरा भाई निकलेगा। सुलेमान तू? सुलेमान नहीं सुलेमान शेख। शायद इस सपने को देखकर मेरा नाम भी भूल गया। कितना है रे? कितना है रे? 7 खोखा। अबे तेरे को 10 खोखा बोला था ना। 7 का ही बोला है रे।
अगर तेरा एक एसेट पठान तक पहुंचा तो तेरा तो राम राम सत्य। पठान से पहले यह सुलेमान जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मौका देता है। मुझे उस दिन देखकर ही मैं समझ गया था कि तू पुलिस वाले के लिए काम कर रहा है, क्योंकि पुलिस को चाहिए पठान और तुझे चाहिए पठान का पोजीशन। क्यों, सही बोला ना? तू तो अब उनसे ही फास्ट निकला रे। ठीक है सुलेमान, तू जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार है। बोल क्या करने का है? काका को खत्म करने का। इतना डर मत, एक खजूरी धंधे में सब आगे जाना चाहते हैं और धंधे में ये सब चलता है। अगर तुझे आगे बढ़ना है पठान से पहले काका को रास्ते से हटाना होगा। फैसला तेरा है, मुझे मेरा तोहफा दे और अपना सबूत ले जा। हाँ हो जाएगा शेख भाई, शाम तक अच्छी खबर देता हूँ। मिस्टर खान। जय हिंद सर। जय हिंद मिस्टर खान। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में तुम्हारी दिलचस्पी थोड़ी कम नजर आ रही है। नो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें एक सेंसियर ऑफिसर समझकर मैंने तुम्हें लखनऊ से वहां भेजा, और तुम वहां कर क्या रहे हो? बोलिए मिस्टर खान। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है मुझे कितने लोगों को जवाब देना है? मुख्यमंत्री जी का सुबह से 3 बार फोन आ चुका है, ऊपर से मीडिया और रिपोर्टर्स मेरी ऑफिस के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। मिस्टर खान अब बताइए मैं इनको क्या जवाब दूं? सर आप परेशान मत होइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जय हिंद सर। पठान पठान पठान, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। सर साहब जी, एक बहुत बड़ी खबर मिली है। क्या? पठान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। सुनने में आया पठान की गैंग में एक नया छोकरा आया सुलेमान। सुना है पैसे के लिए कुछ भी करेगा। और एक यही छोकरा है तुम्हारे लिए एक बड़ा सबूत बन सकता है। और हाँ, और ये रही उसकी फोटो। यही है सुलेमान। तो बाड़ी जी सब काम कर, जगह जगह इसके इश्तेहार लगवा दे। वही तो होगा जो उसकी खबर दे सके। वो छोकरा मुझे किसी भी हाल में चाहिए, समझा? ठीक है साहब। भाई साहब यासी में हुई दो गाड़ियां बरामद। देखो उस्ताद। ए जावेद। जी भाई। वो जीटी रोड से अपना माल आने को, धंधे पे लग जाओ सब। ठीक है भाई, समझे तुम लोग? जी भाई। और हाँ, आज किसी भी हाल में दो गाड़ियों का सप्लाई मांगता है, समझा? अरे भाई आप आराम फरमाओ, ये तो जावेद के बाएं हाथ का खेल है, काम हो जाएगा। हाँ पुलिस से थोड़ा बच के माल पकड़ा नहीं जाना चाहिए, वरना सीधा सट पठान भाई पे जाएगा।
कर, जैसे भी कर। आज माल चाहिए, मतलब चाहिए, इस बात को दिमाग में डाल ले। परेशान मत हो भाई, माल पहुंच जाएगा। और सुन, काम थोड़ा रिस्की है लेकिन अपुन को तुझ पे भरोसा है, समझे? चलो निकलो। हम भाई, हम भाई। आ गया मेरा शेर। हाँ सुलेमान। सलाम भाई। हाँ बैठ। ए सुलेमान, तू असली हीरो है रे। मैं आज बहुत खुश हूं। बता क्या चाहिए तुझे। मेरा असली तोहफा तो तुम ही हो भाई। दिल खुश कर दिया। भाई को किसी ने ठोक दिया भाई। किसने मारा मेरे भाई को? भाई, बता दे भाई कौन था भाई? पता चलना चाहिए। क्या हुआ पठान भाई? काका, काका को किसी ने मार दिया। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यही तो पता करना है। पठान चिल्लाने से तेरा भाई वापस नहीं आएगा। आगे क्या करना है वो बोल। पता लगा कौन है इसने पठान के भाई को टपकाया है। सबर रखो भाई, वो जो भी है कल तक पठान के कदमों में होगा, जिंदा या मुर्दा। तेरा पास काम हो गया भाई। शाबाश, मुझे तो सही यही उम्मीद थी। साला ऐसा कौन हो सकता है जिसने मेरे भाई को टपकाया है? 5, 10, 65, 80, 1, 1 खोका, पूरा एक खोका। क्या ये सब? क्या ये सब? ये सब तो बंदर चोरी का माल है भाई, चोरी का। मोबाइल के झोल जाल का बादशाह है अपन, बादशाह। ऐसा क्या? बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, उन्हें मेरा काम और भी आसान कर दिया। वो कैसे? ये सब चोरी का ही है ना? हाँ भाई, चलाओ फेंको तोड़ो कुछ भी करो, ये सब आप ही का ही है भाई। ये लो।
हेलो, कैसा लगा मेरा पहला तोहफा? कौन बात कर रहा साले? पठान, तेरा बुरा वक्त चालू हो गया। ए, दिल में क्यों छुप के बैठा? हिम्मत है तो सामने आ। 24 घंटे मैं आपको बचा सकता है, बचा ले। الله أكبر الله أكبر بھائی حجوری आजा। भाई वाह, दिन बना दिया तूने आज। अरे भाई ये ले अपनी आजादी का तोहफा। इतनी जल्दी क्या है सुलेमान? धंधे का खेल ही कुछ ऐसा है, और वैसे भी धंधे में कोई अपना नहीं होता। तुझे मेरी जरूरत थी, तूने मेरा इस्तेमाल किया। मेरी जरूरत खत्म, तू खत्म। बल्ले पांडो साइडो। समझा है क्या? हाँ बोल। काका को किसने उड़ाया पता चल गया? शिकार पर है। जल्दी बोल क्या करना है? कौन है वो? हजूरी। लेकिन वो साला ऐसा क्यों करेगा? पठान तू भ्रम में जी रहा है, वो साला पुलिस वाले के लिए काम कर रहा है। दो मिनट रुक, तेरे लिए कुछ खास भेज रहा हूँ। ठीक है। जल्दी बोल पठान, माई की इधर निकल जाएगा। साला अपना ही कुत्ता पठान की बराबरी करेगा, उड़ा दे साले को। मर गया साला। अब इस पठान की जगह कोई नहीं ले सकता। बोल सुलेमान, क्या चाहिए तुझे? UP 82 मजाक कर रहा है? 25 सालों से UP 82 को पठान संभाल रहा है। आगे से ऐसा मजाक मत करना, भारी पड़ सकता। और सुन, शाम को आके अड्डे पे मिल।
ठीक है, अपन पहुंच जाएगा। भाई ये क्या, आपकी फोटो? गैंगस्टर, इसकी उत्तर प्रदेश पुलिस को तलाश है। सूचना देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम। हाय रट्टे। इंस्पेक्टर खान। क्या रे मामू, तूने तो अपन को फेमस कर डाला। कौन बोल रहा है? मेरी तरक्की सुलेमान। ना है तू पैसों के लिए कुछ भी करेगा। भाई सुना है। काम बोल मामू। खटान चाहिए मुझे। जा। खटान के खिलाफ खड़ा हो जा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। यारे मामू, ये सुलेमान इतना भी सस्ता नहीं हुआ जो अब कोड़ियों के भाव में बिके। पुलिस को चाहिए पठान, मुझे भी चाहिए पठान। हाँ इंस्पेक्टर, पठान का गेम बचने वाला है। बचा सकता है तो बचा ले। कौन हो सकता है ये साला? है तो कोई अपना ही। ए, तुझे पता है भाईजन कितने गुस्से में? बस एक बार पता लग जाए है कौन। जब तक उनका भाई मरा है वो पागल हो गए। एक काम कर, अपनी सारी बिल्डिंग बैठा। सुलेमान, ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो शेर, मुझे बड़ी की टिप्पणी सुनाई दे रही है। ना घबरा मत, सिर्फ 10 मिनट। ये क्या, इसका मतलब सुलेमान ही शेख है। आना, आजा, तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। भाईजान को फोन करता हूँ। ना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रहा हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उसे अभी दूसरी कॉल दे दिया। पठान, अपनी आखिरी सांसें जिंदा रख, अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। सुन, बाकी मैं उधर का देखता हूँ, तू हमारे धंधे पे ध्यान दे, समझा? ठीक है भाई। एक मिनट भाई। क्या हुआ? जो है तो हमारा पीछा कर रहा है। अरे नहीं रे, ये तेरा वहम है, जितना बोला है उतना कर। चलने कर। ठीक है भाई। ए! जी भाई, वो आ रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाला उसने, वो साला आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। टेंशन लो भाई। सुन, फोन घुमा। ठीक है भाई। और बुला अपने जितने भी पंटर हैं। भाई इसे आप अपना समझ रहे हैं ना, वही आस्तीन का सांप निकला। ए, वो कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। सुलेमान, सुलेमान ही आपका। हाँ मैं जानता हूँ, शेर है वो शेर, और वो इस पठान के लिए कुछ भी करेगा। समझा, चला फोन रख, भूत हो गया।
जवान भी आ गया। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम। आ सुलेमान, आ बैठ। उससे कुछ जरूरी बात करनी है। यही ना, तुझे एक आदमी टॉर्चर कर रहा है, तुझे बार बार मारने की धमकी दे रहा है, और अगले 10 मिनट में वो तुझे मार देगा, ऐसा उसने बोला है। सही बोला तू। ये जो भी है बहुत पावरफुल लगता है। एक मिनट, लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? जिसे तू अपना समझ रहा है ना, वो तेरा अपना कभी था ही नहीं। भाई, जिसे आप अपना समझ रहे हैं ना, वही अस्तिल का सांप निकला। शेख सुलेमान शेख। ओहो, तो तू ही है वो। ए, क्या रहे हो? खत्म करो उस साले को। शेख तेरे इलाके में तुझे ठोकने आया है। क्यों, बत्ती गुल हो गई ना? तू यही सोच रहा है ना, आखिर मैंने ये सब क्यों किया? तो सुन, याद कर, आज से ठीक 22 साल पहले कब तक जिएंगे? अरे, और तू ये सब क्यों सोच रहा है? मैं अब्बू की बहुत याद आती है। मैं अब्बू नहीं है तो क्या हुआ? मेरा भाई है ना, बता क्या चाहिए तुझे? ये चाहिए भाई साहब। चल अब ज्यादा मत सोच, बहुत देर हो चुकी है, मैं खाना लेकर आता हूँ। और हाँ, आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? Thank you.
पिता साहब मेरी सारी किताबें गंदी कर दी। अरे ये क्या हुआ, मेरी सारी किताबें गंदी हो गईं? वैसे भी इन किताबों की तुझे कोई जरूरत नहीं। मेरी किताबें फेंक दी। मेरी किताब है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये पठान से ऊंची आवाज में बात करेगा? छोड़ो ना भाईजान, बच्चा है। बच्चा है तो सर पे मुतेगा। शेख क्या हो तुझे? शेख उठना। ये मेरा वादा है, तेरी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। याद आया कुछ? आखिर क्या गलती थी उस बच्चे की जिसकी तूने जान ले ली? आज भी उसकी चीखने की आवाज मेरी कानों में गूंजती है और यही कहती है, उसे छोड़ना मत। पठान भाई था वो मेरा। अच्छा तो तू वही है, एड़ा था मैं जो तुझ पे भरोसा किया। अगर मुझे ऐसा ही पता होता तो तुझे तेरे भाई के साथ कब का खत्म कर दिया होता। 25 साल, पूरे 25 साल लगे मुझे अपना नाम कमाने में, और तूने उन्हें सब बर्बाद कर दिया। पठान हाई था वो मेरा। इतना फड़फड़ा मत, क्यों दर्द हो रहा है? तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मैंने सोच लिया था मैं मेरे भाई का दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगा। जब तुझे पहली बार देखा मेरी प्लानिंग कभी शुरू हो चुकी थी, इसीलिए तेरे गैंग में आकर तेरा ही दिल जीता और सीधा तुझे मारने की धमकी दी। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। तू मेरे इसी कॉन्फिडेंस को देखकर उनका फैन बन गया और फिर जोशी को टारगेट बनाकर तेरे ही गैंग के बारे में पता किया, और वो तेरा राइट हैंड खजूरी। पठान, वीडियो बनाकर भी मैंने ही उसे ब्लैकमेल किया
और खजूरी के हाथों ही वो तेरा मुंह बोला भाई, क्या नाम है उसका, काका, उसका टीम बजा डाला। ये सब भी अब उनका ही करा करा है। हाँ, अब उनने तेरे ही दिल में इतनी जगह बना ली, तू अब उनको पहचान ही नहीं पाया। बाकी सब तो गए, अब तेरी बारी। नहीं सुलेमान, नहीं, नहीं, सुलेमान, नहीं। कुछ भी कहो, लेकिन खान के अब तक के रिकॉर्ड में साला कोई ऐसा मुजरिम नहीं जो इस इंस्पेक्टर खान से बच पाया हो। पठान तो गया ही गया, लेकिन अब इस सुलेमान की बारी है। अच्छा हुआ, कोई नहीं जानता आखिर कौन है ये सुलेमान। आप मुझे नहीं है, यहाँ पे भी लोग यही नारे लगा रहे हैं, सुलेमान से जिंदाबाद। How many times we have said this, but now there's one person who is trying to bring some change. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया, मैं हूं आपके साथ राहिल सैफी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी वासी का जाना माना गैंगस्टर नाना पठान आज एक आपसी की मुठभेड़ में मारा गया। जी हां, सही सुना आपने, पठान को मारने वाला कोई और नहीं, इसी शहर का एक आम इंसान है जिसका नाम सुलेमान शेख बताया जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है इस हादसे की, क्या सुलेमान ने ठीक किया? फिलहाल सुलेमान को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया, तो आइए जानते हैं जनता से उनका इस बारे में क्या कहना है। मेरा यही कहना है, जो काम कानून का उसे जनता कर रही है तो कानून बनाया किस लिए? अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही काम करता। सुलेमान हमारे शहर का हीरो है। देखिए, सुलेमान ने जो भी किया है पठान के साथ वो बिल्कुल सही किया है, सुलेमान को न्याय मिलना चाहिए। उसे छोड़ दिया जाए जल्द से जल्द। जो आदमी निर्दोष है तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो आपका ये कहना है कि सुलेमान को छोड़ देना चाहिए? जी, छोड़ देना चाहिए। ये तो वक्त ही बताएगा कि सुलेमान को रिहा किया जाएगा या नहीं। संवाददाता राहिल सैफी के साथ न्यूज टीवी इंडिया। एटा में एलपीजी सिलेंडर फटने से कबाड़ में आग लग गई। यू इंस्पेक्टर, पसीने के साथ साथ तेरा डंडा भी छूट गया। अरे बहुत बोलता है साहब। कमिश्नर साहब का फोन आया है। त्रिपाठी, एक साले को। हम सर, मिस्टर खान, सुलेमान तुम्हारी कस्टडी में है? यस सर। एक काम करो मिस्टर खान, सुलेमान को छोड़ दो। लेकिन सर क्यों? तुम्हें पता भी है, जनता में हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे शहर में उसके नाम के नारे लग रहे हैं। समझे खान, जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो उसने कर दिखाया। इससे पहले जनता और बढ़ गए, रिहा कर दो उसे। ओके सर, दिस इज माय ऑर्डर। जय हिंद सर। तो कुछ ऐसी ही थी मेरी 25 सालों की इस कहानी की दास्तान,
और रही बात मेरी जिंदगी की, वो तो अब कानून ही तय करेगा। वैसे बहुत कहानियां सुनी है मैंने इस जेल में, लेकिन तेरी कहानी सुनकर लगता है तुझे कसूर है। बाटे साहब जाने दे उसे। ठीक है साहब। ये कहानी भी कितनी अजीब थी ना, अपने भाई का बदला लेने गया सुलेमान, उसको क्या पता था कि वो आज इस बदले के जरिए लोगों को आजादी का रास्ता दिखाकर लोगों के दिलों पर राज कर बैठेगा। पठान के मरने के बाद इस शहर को एक उम्मीद की किरण जाग उठी, लोगों में अब डर की दहशत का खौफ मर चुका था। ऐसा ही था कुछ इस शहर का किस्सा। वैसे किसी ने सही कहा है, अच्छाई का भी एक वक्त होता है, हर शैतान की टिकट सिर्फ ऊपर की होती है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। आज सुलेमान ने पठान को मारकर लोगों को फिर से एक जीने का हौसला दिया है और एक नई राह दिखाई है। ये थी यूपी 82 में रहने वाले सुलेमान शेख की कहानी।